सप्तसी संकुल शाला वती आप सौ विद्यार्थीओनु हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे धोरण 6 चैप्टर नंबर 5 पायाना आकारोनी समझूती भाग नंबर 10। विद्यार्थी मित्रों, आ जे संख्या रेखा तमने दोरेली छे एना पॉइंट आपणे ए अने बी ई बे पॉइंट आपणे करी नाख्या हता। हवे आपणो पॉइंट आवे छे सी, तो सी पॉइंटमां शुं करवानुं छे के तमने पीई आप्यो छे। रेखाखंड पीई लंब द्विभाजक बनतो होय तेवा बे रेखाखंड शोधी काढो। हवे विद्यार्थी मित्रों, तमारे एवा पीई तो पी अने ई एनो रेखा लंब द्विभाजक एटले के जे आ ऊभी लाइन छे अने आडी लाइन मां तमारे एवा लंब द्विभाजक एटले के एवा रेखाखंड शोधवाना छे जेथी पीई रेखाखंड शुं थाय एनो लंब द्विभाजक थाय। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने खबर है पीई है कोनो कोनो लंब द्विभाजक है, बने बाजू सामन अंतर रहू जो है। सामन अंतर में तक खबर हो, जो हूँ आ पेली पेलूँ लो डी एन एफ, तो जो आ बाजू एटू हे एटू अंतर से एटू आ बाजू से खबर पड़े डी एन एफ। तो अँ लखूँ आ आंसर में कि रेखाखंड पीई ए रेखाखंड डी एफ, पची रेखाखंड क्यों आ एक छोड़ दे, पी क्यों सी सी जी आ सी जी, पछी रेखाखंड सी जी, पछी क्यों एच है तो आ बाजू क्यों आवशे बी अने बी एच, तो लखी दे अने रेखाखंड बी एच नो लंब द्विभाजक छे। समझ पड़े छे विद्यार्थी मित्रों? हाउ इजी छे, थोड़ूक ध्यान आपशो तो खबर पड़ी जाए कि रेखाखंड पीई छे, रेखाखंड पीई ए डी एफ सी जी अने रेखाखंड बी एच नो लंब द्विभाजक छे। समझ पड़े छे? ओके, हवे चौथो प्रश्न हूँ छे डी एवं कहे कि नीचेनामांथी शू सत्य छे। आपणे सत्य क्यूँ छे ए आपणे जोवानुं छे विद्यार्थी मित्रों, तो साव सीम्पल छे सत्य क्यूँ छे एनुं। तो हवे एमां पहेलो डी मां पहेलो पॉइंट पूछे छे कि एसी ग्रेटर धेन एफ जी, एसी ग्रेटर धेन एफ जी, तो एसी एटले एसी एटले विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान आपजो, एसी तो ए अने सी, तो ए सी वच्चेनो डिफरंट तमे जो तो आनो एक पॉइंट ने एक आए पॉइंट, तो शू थाय एक वत्ता एक केटला थाय बे एकम थशे। एफ जी एफ जी एटले एफ अने जी, जो एफ अने जी वच्चे एक ज गाळो छे जो, तो केटलो एकम थाय एक एकम, तो कोण मोटू छे आमां बेमांथी? एसी मोटा छे, तो आ एसी तो मोटा थाय पासे, तेनो मतलब एवो के एसी एफ जी करता केवा छे मोटा ज छे। खबर पड़े छे एसी छे एफ जी करता केवा छे मोटा ज तमने आपेला छे विद्यार्थी मित्रों। हवे नंबर एमां आ नंबर आया तो डबल आई करिए, डबल आई में सी डी इक्वल टू जी एस छे, तो पहला आपणे विद्यार्थी मित्रों जोई सी डी, तो सी डी जो गोतो सी डी तो एक वच्चे जो एक ज छे, एक ज थाय ने खानुं एक एटले एक ज, तो एक एकम आवशे खाली। पछी जी एच, तो जी एच में जो पण जी एच में एक ज छे जो छे एक, तो इक्वल टू आपणे लखी दे एक एकम, अने बे लखी दे कि भाई जी सी डी इक्वल टू जी एस केवा छे बे समान ज छे, केम के बेमां केटला केटला एकम आव्या छे विद्यार्थी मित्रों? एक एक एकम ज छे। खबर पड़े छे? ओके, हवे आपणे शुं जोवानुं छे नंबर त्रण, तो नंबर त्रण शुं कहे छे जो, नंबर त्रणमां तमारे नंबर त्रण आवुं छे, नंबर त्रण छे बीसी करता ईएच मोटा छे, बीसी करता ईएच केवा छे विद्यार्थी मोटो, विद्यार्थी मित्रों मोटा, तो बी एस इक्वल टू बीसी, सॉरी बीसी, तो बीसी में तो तमने खबर छे के बीसी में खाली शू एक एकम से जो छे, तो लखी देवानु एक एकम, तो ई एच में गो तो ई एच, तो ई थी लैन आई थी लैन एच सुधी लेवानुं छे ई एच में, तो आ एक एकम आ बे एकम ना एक 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 केटला छे त्रण वक्त एक छे, तो एक वत्ता एक वत्ता एक, तो केटला थाय त्रण एकम। खबर पड़े छे विद्यार्थी मित्रों? साव सीम्पल छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे अहीं आपणे स्वाध्याय पांच पॉइंट पांच पूरु कर्युं छे, हवे आपणे स्वाध्याय पांच पॉइंट छ जोवानुं छे विद्यार्थी मित्रों। ई पहेला आपणे जोवानुं छे एना अमुक जे बेजिक जे एना ख्यालो छे नोंध छे ई आपणे पहेला जोवानी છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે જોઈએ, ખાસ જોજો બે સેમ જ વસ્તુ છે, સિમ્પલ છે બે,
चल आप लखी लीए थोड़क ओके चलो सप्तसी संकुल धोरण से आपू छ चैप्टर नंबर आपू के हूँ पांचमू पायाना आकारों की समझूती भाग नंबर आपको के विद्यार्थी मित्रों दसमो ओके चलो तो हमें आप थोड़ी नोंध जो विद्यार्थी मित्रों खास जो नोंध जो तो नोंध में आप लखी है पहला नोंध कर तो पहली नोंध विद्यार्थी मित्रों शू है कि त्रण रेखाखंडों की बनेली खास ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों त्रण रेखाखंडों की बनेली बंद आकृति लखी आप त्रण रेखाखंडों की बनेली बंद आकृति ए शू त्रिकोण छे त्रण रेखाखंडों की बनेली बंद आकृति ए शू त्रिकोण छे पछी शू कहे के त्रिकोण ने त्रण बाजुओ अने त्रण खूणाओ होय छे त्रिकोण ने केटली बाजू होय त्रण बाजुओ होय अने त्रण केटली होय त्रण खूणाओ होय छे पछी बाजुओने आधारे त्रिकोणना प्रकार बाजुओने आधार त्रिकोणना प्रकार केटला छे आपणे जोई लईए तेमां पहेलो जे प्रकार छे लखी आपणे के भाई जे त्रिकोणनी खास याद रखजो जे त्रिकोणनी त्रण बाजुओ सरखी न होय ते त्रिकोणने विषम बाजू त्रिकोण कहवाय विषम बाजु त्रिकोण एटले के जे त्रिकोण होय एनी त्रणे त्रण बाजु केवी होय सरखी न होय ते त्रिकोण ने शू कहवाय विषम बाजु त्रिकोण कहवाय छे खबर पड़े छे विद्यार्थी मित्रों ओके जे त्रिकोण में बे बाजुओ सरखी होय तेने समद्री बाजु त्रिकोण कहवाय जे त्रिकोण में केटली बाजु सरखी होय बे बाजु सरखी होय केटली बाजु सरखी होय बे बाजु तो ई त्रिकोण ने शू कहवाय समद्री बाजु त्रिकोण कहवाय पछी जे त्रिकोण में त्रणेय बाजु सरखी होय विद्यार्थी मित्रों केटली बाजु होय सरखी त्रणेय बाजु सरखी होय तो तेने समबाजु त्रिकोण कहवाय जे त्रिकोण में त्रणेय बाजु सरखी होय तेने समबाजु त्रिकोण कहवाय खबर पड़े छे विद्यार्थी मित्रों ओके आ आपणे बाजुना आधारे जोयुं हवे आपणे जोवानुं छे खूणाओने आधारे तो खूणाने आधारे त्रिकोणना प्रकार खूणाने आधारे त्रिकोणना प्रकार तो खास ध्यान आपजो त्रिकोणना प्रकार खूणाना आधारे एमां पहेलुं छे 90 करता दरेक खूणो नानो होय केवा केना करता 90 करता दरेक खूणो नानो होय ते त्रिकोणने लघुकोण त्रिकोण कहवाय पछी जो त्रिकोण में खास ध्यान आपजो जो त्रिकोण में कोई एक खूणो काटखूणो होय तो तेने काटकोण त्रिकोण कहवाय 90 करता नानो होय तो लघुकोण ने कोई एक खूणो काटखूणो होय तो एने केवो कहेवाय काटकोण त्रिकोण कहेवाय
जो त्रिकोण में खास ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों, जो त्रिकोण में कोई एक खूणो 90 अंश करता वधु होय तो तेने गुरुकोण त्रिकोण कहवाय। खबर पड़े से विद्यार्थी मित्रों शू कहवा मागु छू, यू कोईपण त्रिकोण 90 करता वधारे हशे तो ई त्रिकोण केवो हशे, गुरुकोण त्रिकोण कहवाय। हवे विद्यार्थी मित्रों एक छेली लास्ट जोई ले कि भाई कोईपण त्रिकोण में तमने कोईपण त्रिकोण में ओछा में ओछा बे खूणा केवा आपेला छे, लघुकोण होय ज। कोईपण त्रिकोण में ओछा में ओछा बे खूणा लघुकोण होय ज। कोईपण त्रिकोण आप्यो होय ने मतलब तमने ओछा में ओछा बे तो लघुकोण होय ज, एना करता वधारे पण होय शके। ओछा में ओछा बे खूणा नो मतलब शू, बे खूणा तो होय ज लघुकोण, एना करता वधारे पण लघुकोण होय शके। हवे वधी वधीने तो त्रिकोण में त्रण ज खूणा होय तो का तो बे लघुकोण होय का तो त्रण त्रण कहेवाय छे लघुकोण। समझ पड़े से विद्यार्थी मित्रों? ओके विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आना पछीनुं जोईए, खास ध्यान आपजो, लखी लईए। सप्तसी संकुल, धोरण छे आपणुं 6, प्रकरण नंबर छे आपणुं 5, पायाना आकारोनी समजूती, અને ભાગ નંબર છે કેટલામો? 10મો। વિદ્યાર્થી મિત્રો જો હવે આપણે 5.6 તરફ જઈએ છીએ, સો સ્વાધ્યાય 5.6, તો સ્વાધ્યાય 5.6માં પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે કે તમને કોઈ ત્રિકોણના માપ આપેલા હોય, માની લો કે આ રીતના આપેલો છે, હું તમને રકમ લખી દઉં। 5.2માં 7 સેમી, 8 સેમી, 9 સેમી બાજુઓના માપ ધરાવતો ત્રિકોણ, માપ ધરાવતો ત્રિકોણ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રણે ત્રણ માપ કેવા છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ, ત્રણે ત્રણ માપ અલગ અલગ હોય તો આ કેવો ત્રિકોણ છે? વિષમ બાજુ ત્રિકોણ। નંબર બી, ત્રિકોણ એબીસી માં અથવા તો જેમાં ત્રિકોણ એબીસી જેમાં એબી ઇક્વલ ટુ તમને આપ્યા છે 8.7 સેમી, એસી ઇક્વલ ટુ આપ્યા છે તમને 7 સેમી અને બીસી ઇક્વલ ટુ આપ્યા છે 6 સેમી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ત્રિકોણ કેવો થાય? અલગ અલગ છે ત્રણે ત્રણ, તો એ પણ આપણને કેવો દેખાશે? વિષમ બાજુ ત્રિકોણ। સમજ પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે। નંબર 3, ત્રિકોણ પી ક્યુ આર કે જેમાં બધે ખૂણા જો બધે સરખા સરખા, બાજુ સરખી સરખી આપી, જો આપી છે બાજુ સરખી સરખી, તો આ કેવો ત્રિકોણ થશે? સમબાજુ ત્રિકોણ। તમને ખબર પડે છે બધી બાજુ કેવી આપી છે? જો પી ક્યુ ક્યુ આર અને પી આર બધી કેવી આપી છે? સમાન આપેલી છે। હવે ડી જોઈએ, ત્રિકોણ ડી એલ એફ સોરી ડી ઈ એફ જેમાં માપખૂણો ડી ઇક્વલ ટુ તમને કેટલો આપ્યો છે? 90। તો એનો મતલબ એવો કે આ ત્રિકોણ કેવો થશે? કાટકોણ ત્રિકોણ છે। કેવો ત્રિકોણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કાટકોણ ત્રિકોણ। ઈ, ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડમાં માપખૂણો વાય તમને આપ્યો છે 90 અંશ અને એક્સ વાય તમને આપેલો છે, એક્સ વાય અને વાય ઝેડ તમને સમાન આપ્યો, જો બે બાજુ સમાન આપેલા, સમદ્રી બાજુ અને એમાંય પાછો કાટકોણ આપ્યો છે, તો સમદ્રી બાજુ કેવો કાટ ત્રિકોણ રચા છે? સમદ્રી બાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ છે। કેવો ત્રિકોણ છે? સમદ્રી બાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ છે। સમજ પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડમાં ખૂણો વાય છે એ 90નો છે, એક્સ વાય ઇક્વલ ટુ વાય ઝેડ, સમદ્રી બાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ છે। હવે એમાં એફ, ત્રિકોણ એલ એમ એનમાં માપખૂણો એલ ઇક્વલ ટુ 30 અંશ, માપખૂણો એમ ઇક્વલ ટુ 70 અંશ અને માપખૂણો એન ઇક્વલ ટુ 80 અંશ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ત્રણે ત્રણ ખૂણા કેવા છે? 90 કરતાં નાના છે, તો કેવો ત્રિકોણ થશે? લઘુકોણ ત્રિકોણ છે।
केवो त्रिकोण छे लघु कोण त्रिकोण। विद्यार्थी मित्रों लेसन में वीडियो में चलावेल बधुज बाकी नोट में लखी लाओ। ओके विद्यार्थी मित्रों आने पछीना लेक्चर में मळीशुं।